हाँ कोई बात नहीं, उतना मैं समझ सकता हूँ, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो गलतियां होती हैं वो समझ सकता हूँ, आपसे ज्यादा तो मैं ही करता रहता हूँ गलतियां। ये सुधरेंगे यार। दरअसल क्या था, एक बार जब मैं बंसल में पढ़ाया करता था तो एकदम नया नया था, तो मतलब स्टूडेंट टाइप ही ऐसी उसी टाइप का लुक भी ऐसे, तो जाके क्लास में बच्चे थोड़े एक दो दिन तो चैन से बैठे, अच्छा तो पढ़ाता ही था खैर मैं स्टार्टिंग से ही, तो फिर थोड़ा बराबर से लेवल में आके थोड़ा ऐसी बातें करने जैसे सर ऐसे ही हैं, फिर मैंने जो लेनी शुरू की उसके बाद बहुत बुरा हाल हो गया क्लास में, क्यों नहीं करता था, फिर मुझे गंदा गंदा फील होने, मैंने कहा यार तू क्या माहौल क्रिएट कर, इतनी बैंड बजा रही, एमसी सर तो कुछ भी नहीं करते। दरअसल आईटी के हॉस्टल में रहूं 4-5 साल, और उस वक्त हार्ड कोर रैगिंग सहिंग सब हुआ करती, तो सारे फंडे क्लियर थे। आप लोगों ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की, अब तो पीक पे पहुंचे हुए हैं, अगर किसी की हालत खराब हुई बहुत आसानी से। तो हो गया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, आई शुड बी इन अ फ्रेंडली मोड, ठीक है ना, तभी जाके कुछ काम होता। तो मैंने फिर किसी को कुछ नहीं कहा, कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, रिकॉर्ड है मैंने आज तक कभी किसी को क्लास से बाहर नहीं निकाला, मैंने कभी डांटा नहीं किसी को, नेवर। यहाँ पे मुझे इतने दिन से बैठे किसी को जोर से बोला आज तक कुछ, कभी भी नहीं, और वहां भी कभी कुछ नहीं कहता था, पर होता है, पर कुछ लोग मानते नहीं है। समझ नहीं, वापस एक्टिवेट करेंगे मुझे, फिर औरों को भी भरना पड़ेगा 2-4 को। मुझे ऐसे लग रहा वो पैदा होते टाइम गड़बड़ हो जाती है। हाँ नहीं, मेरे टाइम पे तो बहुत रैगिंग हुआ करती थी, अब पिछले 4-5 साल से ना थोड़े कांड ज्यादा हो गए, एक दो लोग मर गए हैं, तो इसलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया ना अब तो उसमें, वो तब तक इशू वहां नहीं पहुंचा था, अभी शायद 2005-2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया रैगिंग का, तो उसके ऑर्डर है, जहां भी ये कॉलेज है ना उसमें एक पैम्फलेट चिपका रहता है कि अगर रैगिंग हो रही तो इस नंबर पे कॉल करें, और वो पैम्फलेट ठीक है ना जरूरी है, और वो उस कॉलेज का नहीं है, ठीक है ना, 7 वाले पुलिस थाने का नंबर नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट के एसपी के ऑफिस का नंबर है इमीडिएटली, और हर एक को चिपकाना जरूरी है वो, तो हाँ नहीं वो फट नहीं सकता, वो वैसा बोर्ड है, अगर वो नंबर फट गया तो कॉलेज पे आफत आ जाएगी, वो तो मैंडेटरी है, तो उससे तब से वो ना एक दो ने वहां पे कॉल कर दी है, तो सीनियर सब नहीं करते यार, एक्चुअल में टाइम भी नहीं होता आजकल, कहाँ होता है टाइम किसी के पास, पहले लोग थे आजकल तो मोबाइल फोन के लिए टाइम रहता है, नहीं इनको तो खैर क्या रैगिंग वाले हाथ जोड़ के भगा देंगे, भैया छोड़ दे मुझे रैगिंग नहीं लेनी, छोड़ दे। नहीं छोड़ो, लेकिन अगर इनके जैसे वहां पहुंच गए ना तो इतनी बुरी हालत होगी ना, मुंह दिखाने लायक नहीं पूरे बैच को। बुरी हालत कर देते हैं वो तो। दरअसल क्या, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं ना, उनके माइंडसेट अलग होते हैं, कुछ कुछ बच्चे रैगिंग में ऐसे आते हैं कि उनको बचपन से अभी तक धमकाया नहीं गया होता एक बार भी, आईएएस के बच्चे हैं, हुक्म चलाने की आदत होती है, तो वहां पे दूसरे भी आईएएस का बच्चा होता है सीनियर में, कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो उनको लोगों के लिए जरूरी हो जाती है रैगिंग। खैर तो ये 34 मुझे समझाना है क्या पूरा। एक मेरा दोस्त था, तो मैं यहाँ पे मतलब तब तक तो मेरा पैकेज अच्छा खासा हो गया था, तो उसका फोन आया मेरे पास, बहुत अच्छा दोस्त था, आईआईटी का ही था, कहने लगा यार इनके सी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है शादी में। मैंने क्या कर डाला था, क्या हुआ? कह रहा यार मैं लड़की भी राजी है, मैं भी राजी हूँ, शादी होनी है, पर घर वालों की बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करूँ? मैंने कहा तू कर ले, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, तू कर ले। कह रहे यार पैसे की बात नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने क्या होगा, अब यूपी से तो है ही अपन, थोड़ा बहुत तो करती। मैंने कहा ये क्या करेगा उसका बाप, पैसा ऐसा होगा थोड़ा बहुत क्या करेगा, देख मैंने कहा तू शादी कर ले बाद में देखी जाएगी। कह रहे यार तुझे नहीं पता उसका बाप क्या है। मैंने बाप क्या मिनिस्टर है क्या? नहीं। मैंने कहा कोई बिजनेस मैन है क्या? नहीं। क्यों? मैंने क्या उसका कारखाना है। मैंने तो कोई बात नहीं, क्या हुआ?
कह रहे ये तो सोच किस चीज का, मैंने किस चीज का, कह रहे बंदूक का। मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा बंदूक का कारखाना क्या? मैंने कहा रेंदे मत कर छोड़। कारखाना किसी देख लेंगे, कारखाना ही बंदूक का है, दो चार तो वैसे ही रखता होगा। हो गई थी शादी तो कौन रोक सकता है आजकल, किसी को नहीं रोक सकता। रोक दे तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, करा दो तो दिक्कत खत्म, अपने आप संभालेगा, आप छोड़ो टेंशन खत्म। और रोक दो तो कोशिश करते रहेंगे लोग, बाग पूरी जिंदगी परेशान रखेंगे। तो आजकल फंडे सबको क्लियर हो गए हैं। तो मैं भी सोचा मैंने जाते जाते क्या होगा, जाके लड़ना पड़ेगा, पीट देंगे किसी को, एक दो को दो देंगे तो सुधर जाएंगे लोग। बताए कारखाना उसका, मैंने कहा तो किस चीज का, क्या बंदूक का, रहने दे। चलो खैर एक क्वेश्चन देखो, पार्टी किस चीज की, पार्टी पानी बरस। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो नहीं आते मौसम में घर आके नाच गा के जाते, बारिश हुई है पार्टी बधाई लेके जाएंगे। तो तुम लोग बिना बस बारिश की क्या पार्टी होती है। अच्छा मैंने बोला था क्या, कब बोला था? अरे मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। गाड़ी, मेरी गाड़ी तो नीचे से टूट गई यार। और आप ही पता, रात में कुछ मिलेगा नहीं तुम लोगों को, मिलेगा। चलो फिर मंडे डन, मंडे डन। मंडे डन, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, बहुत पैसा है मेरे पास, तुम मंडे आने तो दो। ओके एक एग्जांपल देखो।